बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हमारा लेक्चर है 4.2 एक्सरसाइज है और उसके आज हम 5 क्वेश्चन पहले देखेंगे। पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमने ए प्लस बी की वैल्यू दी हुई है 10, ए माइनस बी की वैल्यू दी हुई है 6, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस पे हमने जो फार्मूला अप्लाई करना है वो ए प्लस बी का स्क्वायर और ए माइनस बी के स्क्वायर को प्लस करना है। जब प्लस करते हैं तो दूसरी तरफ जो आंसर आता है वो आता है 2 × ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर हमें ये वैल्यू दी गई है ए प्लस बी की, ये हम यहाँ पर 10 पुट करेंगे, यहाँ पर 6, इसका स्क्वायर आएगा 10 का 100 और इसका आएगा 36, दोनों को प्लस करना है आपने, 136 हो जाएगा। और यहाँ पर जो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था वो इधर आके डिवाइड होगा, जब डिवाइड करेंगे तो आपका ये आंसर आएगा 68। इस तरह हमने ये फार्मूला अप्लाई करके ये वैल्यू जो है फाइंड कर दी। दूसरा जो क्वेश्चन है, ए प्लस बी की वैल्यू है 5 और ए माइनस बी की है 17 का स्क्वायर रूट, ए बी की वैल्यू फाइंड कर दी। अगर इसी फार्मूले में यहाँ पर माइनस आ जाए तो इस तरफ जो इसको खोलेंगे तो इसका आंसर आएगा 4ab। हमने क्योंकि ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो 4 पे इधर डिवाइड कर देंगे, इसकी वैल्यू जो है वो 5 है, 5 का स्क्वायर 25 और स्क्वायर रूट से ये कैंसिल होके 17 आ जाएगा। 25 में से ये माइनस करें तो आपका 8 आएगा, जो इधर 4 खड़ा था वो इसको डिवाइड करेगा, यहाँ पर 4 लिखना था, 4 पे डिवाइड करेंगे जब आपका आंसर जो है वो आएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5, वो सारे क्वेश्चन जो है वो सेम ही है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, बाकी जो क्वेश्चंस हैं उन पे यही फार्मूला अप्लाई होगा, उनको आपने खुद प्रैक्टिस करना है। इसमें हमारे पास 3 टर्म हैं, 2 की वैल्यू हमें बता दी जाएगी और तीसरी की वैल्यू जो है ना हमने मालूम करनी है। 3 टर्मों का यानी स्क्वायर लेना है, ए प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर। तो इसको जब खोलते हैं तो ए का स्क्वायर आएगा प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, फिर 2 × पहली टर्म और दूसरी टर्म, फिर दूसरी और तीसरी टर्म और लास्ट पे तीसरी और पहली टर्म। अब 3 जो है वो हमारे पास यानी रकमों के सेट वन की, एक ये है, एक ये वाली टर्म है और एक ये वाली टर्म, 2 हमें बता दी जाएंगी और तीसरी की जो वैल्यू है हमने वो फाइंड करनी है। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू हमें बताई गई है -1, इसका स्क्वायर लेंगे, और यहाँ पर इसकी वैल्यू बताई गई है 45 और 2 × ये टर्म, 1 का जो स्क्वायर आएगा वो 1 ही आएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस में चला जाता है, और ये 45 जो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था ये इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस करेंगे माइनस का 44। अब चूँकि हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, जो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर आके इसको डिवाइड करेंगे, जब 2 पर इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा माइनस का 22 कट। तो ये इसका आंसर है। बाकी इसके जो 3 क्वेश्चंस हैं वो इसी तरह से ही करने हैं, आपने खुद ही ट्राई कर लेना। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चंस को देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।